हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यामा मोटर इंडिया ने न्यू जनरेशन R15 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका कंपनी ने ऑफिशियली नाम यामा R15 वर्जन 4 और यामा R15M रखा है। यानी कि कंपनी ने टोटल दो मॉडल को इसमें लॉन्च किए हैं, जिसमें से R15 वर्जन 4 को 3 कलर ऑप्शन, मेटेलिक रेड, डार्क नाइट और रेसिंग ब्लू में लॉन्च किया गया है। और इसमें आपको मोटो जीपी एडिशन मिल जाएगा। तो ये R15M को सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इस नए जनरेशन R15 की डिजाइनिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको फ्रंट के साइड सिंगल हाई बीम LED हेडलैम्प मिल जाएगा, जिसमें आपको प्लैंक LED डायल्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके फ्रंट लुक को चेंज कर दिया गया है। रीडिजाइन आपको टेल लैम्प मिल जाएगा, मस्कुलर फ्यूल टैंक डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है। नया ग्राफिक्स ज्यादा स्पोर्टियर और काफी प्रीमियम लुक दे रही है, जिसमें से मोटो जीपी एडिशन में नया मॉन्स्टर एनर्जी का लोगो भी आपको इसके साइड पैनल पे और फ्रंट एपरन पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके एग्जॉस्ट सिस्टम पे मेटेलिक फिनिश दिया गया है। इसके फुट पैक्स पोजीशन को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसके डिजाइनिंग में आपको इतने सारे नए अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब इसमें आपको गोल्डन कलर की USD फ्रंट फॉर्क देखने को मिल जाएगी और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। नए फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, डुअल चैनल ABS के साथ दिया गया है। नया रिवाइज्ड फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी दिया गया है, जो कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आई है। इसमें आपको यामा वाई कनेक्ट का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको SMS, कॉल, मोबाइल बैटरी लेवल, लास्ट पार्किंग लोकेशन, स्पीड, फ्यूल, ऑटोमेटर टिप, ये सारी आपको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी दिया गया है। इंजन की बात करें तो 155cc का लिक्विड कूल्ड 4-वाल्व SOSC फ्यूल इंजेक्शन VVA के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, क्विक शिफ्टर भी दिया गया है और इसमें आपको स्टाइलिश स्प्लिट सीट भी देखने को मिल जाती है। तो अगर इसके प्राइस की अगर बात करें तो इसके पहले मॉडल से यानी कि वर्जन 3 से इसके प्राइस लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये तक ज़्यादा महंगी हो गई है। तो यामा R15 वर्जन 4 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस मेटेलिक रेट के साथ 1,67,800 यानी कि 1,67,800 रुपये तक रखी गई है। डार्क नाइट कलर का एक्सरूम प्राइस 1,68,800 यानी कि 1,68,800 रुपये रखी गई है। रेसिंग ब्लू के साथ एक्सरूम प्राइस 1,72,800 यानी कि 1,72,800 रुपये तक रखी गई है। तो ये R15M का जो एक्सरूम प्राइस है 1,77,800 यानी कि 1,77,800 रुपये तक रखी गई है। तो ये R15 वर्जन 4 का जो मोटो जीपी एडिशन है उसका एक्सरूम प्राइस 1,79,800 यानी कि 1,79,800 रुपये तक रखी गई है। तो यहाँ पे हर एक कलर का अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको सभी का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस बता दिया है। ऑन रोड प्राइस की जानकारी भी आपको अगले आने वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो R15 वर्जन 4 आपको कैसी लगी, इसके कलर ऑप्शन कैसे लगे, फीचर्स आपको कैसे लगे और नया डिजाइन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।